मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए जॉय ऑफ रिम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर हिट करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। Hey everyone, my name is Rimi. Welcome to Joy of Rims. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ Amazon haul. तो आज के वीडियो में आप मेरे देखेंगे कि कुछ मैंने ट्रैवल के लिए कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए हैं और साथ ही कुछ होम एसेंशियल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. तो थोड़ा मिक्स्ड टाइप हॉल होने वाला है ये. तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मेरी सबसे पहली परचेज है, मैंने सेट ऑफ 6 पैकिंग क्यूब्स परचेज किए हैं फ्रॉम द ब्रांड स्टाइलस. तो इसमें 6 अलग अलग टाइप के आपको पैकिंग क्यूब्स मिल जाएंगे. आप इसमें कुछ भी अपने ट्रैवलिंग के जितने भी एसेंशियल्स हैं सारे इसमें आप डाल सकते हैं. तो अलग अलग साइज के ये सारे आपको मिलेंगे. मैं आपको ओपन करके एक बार दिखाती हूँ. तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि अलग अलग साइज के ये क्यूब्स हैं. तो मैं आपको वन बाई वन करके दिखाती हूँ. तो ये सबसे छोटा वाला है. तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ट्रैवल करने के लिए. अक्सर होता है ना कि हमारे पास कुछ होता ही नहीं है पाउच वगैरह. तो ये बहुत सही था कि इसमें हर एक साइज का आपको मिल जाता है 6 पीस. तो आपको बड़ा साइज भी मिल जाएगा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा. तो ये सबसे छोटा वाला है. तो इसकी प्राइस है 422 रुपीज. तो प्राइस के हिसाब से क्वालिटी ठीक ठाक सी है. और इसका मैं आपको दूसरा साइज दिखाती हूँ. तो ये है इसका दूसरा वाला साइज. तो ये इस तरीके का आपको दिखेगा. ऊपर से ये नेट दिया है. तो आप जो भी चीज इसमें रखेंगे सब आपको बाहर आपको दिखेगा. तो आप इसमें अपने कपड़े वगैरह भी डाल के रख सकते हैं और बाथिंग के जितने एसेंशियल्स हैं ट्रैवल करते समय जो हमें लगते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं. तो काफी अच्छा लग रहा था मुझे. और फिर ये है तीसरे वाले का साइज कुछ इस तरीके का है. तो सबका साइज अलग अलग है. तो अलग अलग टाइप के हमारे पास साइज के प्रोडक्ट होते हैं ना, कि कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई इधर से चौड़े होते हैं. तो सारे साइज के हैं. तो आप उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं. तो इसमें आपको बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन है. इसके प्रिंट वाले भी आते हैं. तो आप कोई सा भी परचेज कर सकते हैं. मुझे ये नेवी ब्लू कलर ज्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने नेवी ब्लू कलर परचेज किया. और इसमें भी नेट का ऑप्शन है. तो ये फिफ्थ वाले की साइज है. साइज काफी बड़ी बड़ी है. आप बड़े बड़े सामान आप इसमें रख सकते हैं. और फिर ये लास्ट वाला, ये वाला तो बहुत बड़ा है. तो ट्रैवल करने के लिए आप जैसे कि बड़े बड़े कपड़े होते हैं ना, जितने भी पार्टी वियर्स, तो वो सब अलग से अगर रखते हैं किसी भी पॉली बैग में तो वो इधर उधर हो जाते हैं. अगर आप इसमें करके अच्छे से रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. तो ये बहुत सही लग रहा था मुझे कि आप कपड़ों के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं और बाथिंग वगैरह के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं. और इसे आप अपने वार्डरोब वगैरह में भी लगा करके रख सकते हैं. ये काफी अच्छा है. ऐसा नहीं है कि आप ट्रैवल के टाइम ही आप इसे यूज करेंगे तभी सही रहेगा. तो ये दोनों मल्टीपर्पज बैग है. आप ट्रैवल के टाइम में भी यूज करिए और अपने वार्डरोब में भी आप सारे सामान इसमें पैक करके आप रख सकते हैं. तो अब मैं अपनी नेक्स्ट परचेज दिखाती हूँ. ये मैंने प्लास्टिक की रिफिल बॉटल लिया है. तो ये मुझे बहुत जरूरत थी इसकी. तो अगर हम लोग कहीं शॉर्ट ट्रिप के लिए अगर कहीं जाते हैं 1 वीक के लिए, 10 डेज के लिए, तो उसमें क्या होता है कि ट्रैवल करते समय हमें जो बाथिंग के जितने भी एसेंशियल्स रखने होते हैं तो सब बड़े बड़े होते हैं. कितने शैम्पू हो गए, कंडीशनर हो गए, तो वो सारे अगर हम अपने बैग में पैक कर लेंगे तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है हमारा बैग. और ट्रैवल करने में हमें प्रॉब्लम भी होती है. तो अक्सर हम लोग फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो उसमें फाउंडेशन भी रहता है कि हमें 15 kg रखना है, 20 kg रखना है. तो इसलिए ऐसे टाइप के बॉटल्स आपके पास रहेंगे तो आप उसमें फिल करके शैम्पू कंडीशनर आप 1 वीक के लिए, 10 डेज के लिए इसमें फिल करके आप रख सकते हैं. तो ये बहुत लाइट वेट सा भी रहेगा और आप इजिली आप वहां पे कैरी भी कर सकेंगे. और इसके साथ आपको ये स्टिकर्स भी मिलते हैं तो आप इसमें डाल करके रख देंगे. तो ये है पहली बॉटल. तो ये स्प्रे वाली बॉटल है. और फिर ये सेकेंड पंप वाली बॉटल है. तो आप इसमें शैम्पू वगैरह आप रख सकते हैं. और फिर इस तरीके की बॉटल है. तो इस वाली बॉटल में आप बॉडी लोशन रख सकते हैं. तो इसी तरह आपको अलग अलग टाइप की बॉटल्स आपको मिल जाएगी. ये भी स्प्रे वाली बॉटल है और ये इस तरीके की बॉटल है. तो आप शैम्पू, कंडीशनर सब कुछ आप इसमें रख सकते हैं. और इसके साथ ये एक स्टिकर मिला है.
ये स्टिकर मिला है और ये रिफिल करने के लिए मिला है। तो ये काफी यूजफुल प्रोडक्ट है, मुझे तो लगता है कि सबके पास ये होना ही चाहिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसकी प्राइस है 291, जो कि काफी ज्यादा सही प्राइस है। और इसके साथ ये बैग भी मिल जाता है जिसमें आप सारी चीजें आप इसमें रख सकते हैं। तो प्राइस के हिसाब से क्वालिटी एंड ऑल सब कुछ सही है। तो अब मैं अपनी नेक्स्ट परचेज में आती हूँ। मैंने ये मिल्टन वर्टेक्स का थर्मोस्टील वाटर बॉटल लिया हुआ है। तो ये 750 ml का ये बॉटल है और काफी अच्छा ये बॉटल है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें आपको बहुत सारे कलर्स के इसमें ऑप्शन है। इसमें एक ऑरेंज और ग्रे और ब्लू का ऑप्शन है और कॉपर कलर का ऑप्शन है और ग्रे कलर का ऑप्शन है। तो काफी अच्छे अच्छे ऑप्शन है कलर के, आप देख सकते हैं। तो मैं इसे आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये काफी अच्छी लग रही थी मुझे बॉटल। ये ऐसे यहाँ पे स्टील का है पूरा और इसके ऊपर ये ग्लास दी गई है। तो आप ये ग्लास यूज कर सकते हैं ट्रैवल करते टाइम। अक्सर होता है कि हम ऐसे पानी पीते हैं और गिरने का डर रहता है, तो ग्लास की हेल्प से आप अपने बच्चे को भी पिला सकते हैं और खुद भी यूज कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बॉटल लग रही थी। तो ये पूरी देखने में आपको पूरी ऐसे नॉर्मल स्टील की बॉटल लगेगी, मगर इसके जो ग्लास है वो काफी अट्रैक्टिव इसको बना देती है। तो इसमें 1 ईयर की वारंटी भी है और इसमें हॉट 24 आवर्स है एंड कोल्ड भी 24 आवर्स है। और इसकी जो MRP लिखी गई है वो 957 रुपीज लिखी गई है, मगर ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट 781 रुपीज की पड़ी है। तो काफी अच्छी बॉटल है ये, आप भी इसे परचेज कर सकते हैं। तो अब मैं अपनी नेक्स्ट परचेज दिखाती हूँ। मैंने अपनी डॉटर के लिए एक वाटर बॉटल लिया है। तो इस तरीके की पैकेजिंग में आया है मुझे। और ये है रेबिटेट ब्रांड का स्नैप लॉक सिपर बॉटल, जो कि काफी अच्छा बॉटल है। और मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ एक बार। तो ये इस तरीके का दिखता है। मैंने अपनी डॉटर के लिए बहुत सारे बॉटल्स लेके रखे हुए हैं, मगर उन बॉटल्स को अगर मैं ट्रैवल करते टाइम यूज करती हूँ तो वो लीक होने लगते हैं। पता नहीं क्या होता है कि उनके कैप में प्रॉब्लम रहती है या फिर सिपर में, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है कि वो लीक हो जाते हैं और मेरे बैग सारे खराब हो जाते हैं। तो इस बार मैं और अच्छे ब्रांड में गई और ये बहुत कॉस्टली बॉटल मैंने इस बार परचेज की है। तो इस बॉटल को मैं ट्राई करके देखती हूँ, पता नहीं ये लीक होगा कि नहीं होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मगर इसके जितने भी रिव्यूज मैंने चेक किए हैं वो काफी अच्छे हैं। तो ये लुक वाइज तो नो डाउट आपको भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहे होंगे और बच्चे को भी अट्रैक्ट करेंगे। तो और मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये कैसा है। तो इस तरीके से ये ओपन होगा और ये है इसका सिपर। तो यहाँ से ये ओपन करने का ऑप्शन है, तो आप ये इस पे प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाएगा। तो ये प्रेस कर दिया, ओपन हो गया और यहाँ से बच्चा पानी पिएगा। फिर हम इसे बंद करके देखते हैं, फिर ये बंद हो गया यूँ। फिर इसमें जो है आप देख रहे होंगे कि इसमें लॉक करने का ऑप्शन है, तो अगर आप लॉक कर देंगे तो ये आप प्रेस करेंगे तो भी नहीं ओपन होगा। तो ये काफी अच्छा लगा इसमें मुझे। इसमें एक और ऑप्शन है टाई करने का, आप अपने हैंडबैग वगैरह में भी आप इसे फंसा सकते हैं ऐसे। तो ये काफी सही लग रहा था बॉटल और क्वालिटी बहुत अच्छी है। और बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे रिव्यूज भी दिए थे इसमें कि उनके काफी दिनों तक ये बॉटल चले हैं। तो लेट्स सी, मैं इसे यूज करके देखती हूँ। वैसे बॉटल की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, बाकी लीक ना हो बस मैं यही चाहती हूँ। और ये 410 ml की बॉटल है और इसकी प्राइस है 999 रुपीज। और इसमें आपको बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, पिंक ब्लू पर्पल, तो आप जो भी आपको पसंद हो वो आप परचेज कर सकते हैं। तो अब मैं अपने नेक्स्ट परचेज पे आती हूँ। ये मैंने मिल्टन का फन फूड स्मॉल टिफिन लिया हुआ है अपनी डॉटर के लिए। तो ये मुझे ट्रैवल करते टाइम चाहिए था। तो इसमें आपको बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, ग्रीन येलो लाइट ग्रीन कलर का ऑप्शन है। तो मैंने येलो कलर चूज किया है, तो मैं ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये टिफिन देखने में कुछ इस तरीके का दिखता है और ओपन करने पे ये ऐसे स्टील का ये ढक्कन आता है और बहुत छोटा सा टिफिन है, कुछ भी आप स्नैक्स वगैरह इसमें रख सकते हैं। और इसकी प्राइस थी 88 या 90 रुपीज, जो भी होगा मैं मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो मैं अपनी नेक्स्ट परचेज में आती हूँ। ये मैंने एक ट्राइपॉड लेके रखा हुआ है,
तो ये ट्रैवल करते टाइम तो मुझे तो ट्राइपॉड की बहुत जरूरत है, तो ये बहुत अच्छा ट्राइपॉड है, आप लोग में से कोई भी इसे यूज कर सकता है और ट्रैवल करते टाइम तो ये आपके पास होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूट्यूबर्स के पास होना चाहिए। तो आजकल तो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का कितना क्रेज है लोगों को, तो इसे आप किसी भी डायरेक्शन पे आप इसे रख के आप इसे शूट कर सकते हैं, तो ये 360 डिग्री किसी भी एंगल में ये जा सकता है, तो ये काफी अच्छा है, तो ये ट्रैवल करने के लिए बहुत सही रहेगा। और यहाँ पे आपका फोन लगेगा इस तरीके का। तो इस ट्राइपॉड की प्राइस है 499 रुपीज, जो कि मुझे काफी सही लग रही थी 499 रुपीज में, और हम क्या लेंगे। और ये काफी स्ट्रांग है, आप इसे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ये, तो काफ़ी दिनों तक चलने वाला है ये मेरा ट्राइपॉड। और इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो अब मैं अपनी नेक्स्ट परचेज में आती हूँ। ये मैंने डेल का एक बैकपैक लिया है, मुझे अपने लैपटॉप को रखने के लिए मुझे एक बैकपैक चाहिए था, और ट्रैवल करते टाइम तो ऐसे टाइप के बैग तो होने ही चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लैपटॉप ही इसमें रख सकते हैं, आप कोई भी छोटे मोटे सामान रख सकते हैं, इवन अपने कपड़े भी थोड़े बहुत रख सकते हैं। और तो मैं इसमें लैपटॉप के साथ साथ अपने जितने भी ट्रैवल करने वाले जो भी एसेंशियल्स हैं सारे इसमें डाल दूंगी। तो इस लैपटॉप बैग में आपको बहुत सारे सेक्शन भी मिल जाएंगे, ये यहाँ पे आप देखेंगे एक सेक्शन है, दूसरा यहाँ के साइड में है, तीसरा यहाँ पे है, तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो आप इसमें कुछ भी अपने ट्रैवल के एसेंशियल्स भी आप इसमें रख सकते हैं। तो इसकी प्राइस है 840 रुपीज़, और इसकी क्वालिटी भी मुझे बहुत सही लगी। तो अब मैं अपनी नेक्स्ट परचेज में आती हूँ। ये मैंने फैबर कैसल का ये टैकेट लिया हुआ है, तो ये मुझे चाहिए था, ये वॉल फ्रेम अपने मैं रूम में लगाने वाली हूँ, तो उसके लिए मुझे चाहिए था। तो हर समय आप कील ठोक के अपना दीवार ख़राब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसे बस उसमें आप लगा दीजिए, तो आपका जो वॉल फ्रेम है वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छा रहता है, आप कोई भी चीज़ इससे स्टिक कर सकते हैं। और इसकी प्राइस है 100 रुपीज़, और इसमें आपको 90 पीसेस आपको मिल जाते हैं स्टिक करने के लिए। तो अब मैं अपनी नेक्स्ट परचेज दिखाती हूँ। ये मैंने एक लॉन्ड्री बैग लिया है, तो इसे आप फोल्ड करके भी आप रख सकते हैं, तो मैं इसे अभी यूज भी करने लगी, आप देख सकते हैं इसमें मेरे हस्बैंड के शर्ट्स वगैरह रखे हुए हैं, तो आप इसे ऐसे यूज फोल्ड करके भी रख सकते हैं। और अंदर इसमें थोड़ा प्लास्टिक टाइप का ऐसे मटेरियल दिया गया है, तो पानी भी पड़ेगा तो भी ये ख़राब नहीं होगा, और ऊपर की तरफ ये कुछ ऐसे रॉड टाइप का यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये ब्राउन और क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन का था, तो बहुत सही लग रहा था मुझे। और ये माई लॉन्ड्री ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये उठाने का ऐसा ऑप्शन है। इसकी प्राइस है 399 रुपीज़, बहुत सही प्राइस में मुझे अच्छी चीज़ मिल गई। फिर मैं अपनी नेक्स्ट परचेज में आती हूँ। ये मैंने आर्टिफिशियल बोनसाई प्लांट लिया हुआ है, तो ये 349 रुपीज़ का है, बहुत क्यूट सा, बहुत अच्छा सा प्लांट है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके की प्लांटर में आता है व्हाइट कलर पे, ये बहुत सुंदर सा, बहुत नेचुरल लुक आ रहा है इसका, मैं काफी दिनों से इसे ढूंढ रही हूँ, फाइनली मुझे अब जाके मिला। तो आप इसे किसी भी जगह आप लगा सकते हैं, अपने बेडरूम में, किचन में, आप कहीं पे भी इसे रख सकते हैं, बहुत अच्छा दिखने वाला है ये। तो इससे पहले भी मैंने एक और आर्टिफिशियल प्लांटर मंगाया था, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, वो देखने में तो ऐसा ही पिक्चर बना हुआ था अमेजोन में, मगर वो जब घर पे रिसीव हुआ तो उसमें ग्रीन कलर लीफ की जगह उसमें येलो कलर ज़्यादा दिख रहा था लीफ, तो बहुत आर्टिफिशियल सा लुक आ रहा था, तो मुझे पूरे ग्रीन कलर के उसमें चाहिए था, तो ये फाइनली मुझे मिल गया, मैं बहुत दिन से इसे ढूंढ रही हूँ। तो गाइज यही था मेरा आज का वीडियो, मैं सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको परचेज करना होगा तो आप परचेज कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अपने दूसरे वीडियो में, चिल देन, ओके बाय बाय।